गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और यार आज का सीन बहुत ही मस्त हो रखा है, और अभी हो रहे हैं सुबह के 10:10। और पता है मैं नहा धो के हो चुका हूँ, रेडी, कहीं जाना नहीं है। आज है भाई दूज का त्यौहार, उसे हम हमारे बिहार में तो उसे गोधन का त्यौहार भी कहते हैं। तो हाँ, आज है गोधन, जो कि ये है ना, ये बंदरिया पीछे ये और छोटी, ठीक है, ये सब मिलके कूटने वाले हैं। तो हमें भी भूखा रखा गया है, ये लोग भी भूखे हैं, ना जाने ये लोग कब गोधन कूटेंगे, कब हमें प्रसाद खाने को मिलेगा, कब खाना खाएंगे। पता है कल सुबह जो नाश्ता किया था ना, वो 6-7 लिट्टी खाया था, उसके बाद अभी तक कुछ खाया ही नहीं है यार मैंने। और रात को तो डेयरी चला गया था, तो उधर भी कुछ नहीं खा पाया। रात को 1 बजे आया, तो 1 बजे कौन खाना खाता है यार। तो हाँ ठीक है यार, फटाफट से तुम लोग गोधन करो। मुन खा रहा है, कहाँ देखिए, तुम खा कैसे रहा है। नहीं खा रहा। तो ठीक है, फटाफट से बस ये लोग का अपना कार्यक्रम चालू हो जाए, उसके बाद फिर हम प्रसाद खा के और अपना जो खाना वाना है वो सब खा सकते हैं। फिलहाल बहुत जोरों का भूख लगा है, बट कुछ खा ही नहीं सकते। जब तक वो लोग अपना काम नहीं कर लेते हैं, तब तक हम कुछ नहीं खा पाएंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, फिलहाल चलते हैं दुकान में ही। और पता है आज ना गोधन जो है ना, वो हमारे घर के सामने ही कुटाने वाला है। वहाँ पे ना ये विक्की को आप लोग देखे होंगे शायद, आई थिंक देखे होंगे, बट पता है वहाँ पे ना, यहीं पे आज सब आने वाली हैं दीदी लोग, तो वो लोग सब यहीं पे गोधन कूटने वाली हैं। वहीं पे हमारी छोटी मम्मी और आराध्या बुआ जी सब वहीं पे मिलके गोधन कूटेंगे। तो ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जरूर कैसे कुटाता है, मैंने आज तक नहीं देखा यार गोधन कुटाते हुए। तो ठीक है, बस अभी तो ब्लॉग स्टार्ट ही हो रहा है। और पता है कल ना इतना ज़्यादा थक गया था ना, सीधा सुबह मतलब 8-9 बजे उठा, उसके बाद ब्लॉग एडिट किया, अपलोड किया, उसके बाद मस्त अभी नहा धो के आया हूँ। इतना ज़्यादा मतलब थक गया था यार, कल ब्लॉग एडिट करने तक का टाइम नहीं था मेरे पास। 1 बजे रात को कौन ब्लॉग एडिट करेगा यार, सुबह में मतलब मैं 7 बजे उठ गया था, 7 बजे के बाद पूरा ब्लॉग एडिट किया, अपलोड किया, उसके बाद फिर अभी नहा धो के रेडी हूँ। और ये बार बार मुझे मार रही है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताना मैं इसका क्या करूँ, इसको मारूँ कि इसको छोड़ दूँ। कमेंट करके आप लोग देंगे कि मारो, तो मैं इनको दूसरा। नहीं यार, कमेंट वाला बात मत सीरियसली ले लेना भाई, मारने वाला सीरियसली लिया तो ये हमको मार के मार डालेगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिलहाल वो भी जा चुकी है अंदर और मैं चलता हूँ दुकान में। सो गाइस यार, फिलहाल कार्यक्रम चालू हो चुका है बाहर में गोधन का, तो चलते हैं बाहर में और हल्का सा अच्छा वाला सीन रिकॉर्ड करते हैं। अपना भाई दूज और गोधन का त्यौहार ना यार, मतलब हम लोगों के भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा वो लोग मना रहे हैं। मैं ना फर्स्ट टाइम देखने वाला भी हूँ, मतलब ब्लॉग करते हुए तो फर्स्ट टाइम हो ही रहा है, बट ऐसे भी मैं फर्स्ट टाइम देखने वाला हूँ यार। आज तक मैं गोधन कूटते हुए नहीं देखा हूँ मैंने। तो हाँ चलते हैं और हल्का सा अच्छा वाला सीन रिकॉर्ड करते हैं। और क्या इधर, ये हमारे छोटे मामू हैं। छोटे मामू, अपना नाम बताइए, इधर अपना नाम बताइए। एक मिनट, हम लोग का फोटो शूट चल रहा है उधर।
अब स्टार्ट हो रहा है मेन पार्ट। चलो छोटे खड़ा हो। हाँ, कूटने वाला पार्ट। चलिए स्टार्ट। अरे करिए, आप लोग स्टार्ट करिए, टेंशन मत लीजिए। तो तुम लोग क्या कर रही हो आराध्या? कुटा ये तो मुकेश भाई देख लो उन्हें। सो गाइस, यार फिलहाल सारा काम हो चुका है, पूजा पाठ हो चुका है मम्मी लोगों का, ठीक है, गोधन का, भाई दूज का, जो भी कह लीजिए वो सब हो चुका है सारा चीज़। तो बस अब मम्मी ये सब जल्दी से जल्दी घर में आए और फटाफट से हमें प्रसाद और खाने वाने के लिए कुछ दे, यार भूख बहुत जोरों का लगा है। और अभी तो एक चीज़ और बाकी है भाई, हमें लुटाना बाकी है, अभी हम लूटेंगे, अभी प्रसाद खिलाएंगी मम्मी ये सब, मतलब छोटी ये सब हम लोगों को ना, तो अभी उन्हें पैसे देने हैं, अभी हम बाकी है भाई, वो रक्षाबंधन हो चाहे भाई दूज हो, उसमें हम लोग ही को पैसे देना है, तो अभी तो हम बर्बाद होना ही है, हम लोगों को लूटना ही है। तो ठीक है, फटाफट से बस वो लोग आए, हम प्रसाद खाएं, उसके बाद मस्त खाना वाना खाएं। पता है कल ना सुबह का खाया हुआ हूँ, अभी तक कुछ नहीं खाया हूँ, कल दिन भर चाय वाय पीता रह गया था, उसके बाद फिर यार बहुत ज़ोर का भूख लग गया है, मैं मेन यही कहना चाहूँगा, बहुत ज़ोर का भूख लग गया है। बस आप लोगों से इतना ही कहूँगा मैं कि फटाफट से बस आप लोग यार ब्लॉग पर प्यार दीजिए, आप लोग लाइक करिए ताकि मुझे भी मालूम चले कि हाँ मैं कुछ अच्छा बना रहा हूँ, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिलहाल बस मम्मी ये सब आ ही रही है, तो बस अब खाना वाना खाएंगे, और क्या खाना बनाइए भी आप लोगों को दिखाऊंगा। फिलहाल पूजा वजा हो चुका है और हम लोगों का भी आरती उतर चुका है, ठीक है, अब बारी है घूस देने का। ऐसा आरती किया जाता है भाई साहब, इसको घूस मिल चुका है, ठीक है, अभी घूस देने के बाद वाला सीन जो है वो मैं अभी कैप्चर करूंगा। हाँ ये देखिए, ये वाला सीन बहुत ही अच्छा है, खुश रहो खुश रहो। चलो चलो लो, आओ आओ, तुमको भी घूस चाहिए ना, अभी एक और घूस देना बाकी, तुम्हारा घूस, तुम्हारा घूस, पता है इसको ना फटा हुआ, अभी एक और घूस देना बाकी है यार, अभी एक और घूस देना बाकी है, ये सारा चीज हो जा रहा है लेकिन घूस यार बहुत दिक्कत वाला काम है। घूस लीजिए, घूस लीजिए, घूस लीजिए, हाँ चलो प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, चलो घूस दे के हो चुका है। प्रसाद तो इतना सारा मिल गया ना कि भाई नहीं खिलाएगा इतना सारा, बट खाना पड़ेगा, तो हाँ बस खा लेते हैं। फिलहाल अब टाइम आ गया नाश्ता करने का, तो नाश्ता में आ जाए दल पूरी और फिर सब्जी और खीर, तो बस यार मस्त खा लेते हैं जल्दी से। उधर छोटी का भी नाश्ता वही है, हम सब साथ में ही आज बैठ के खा रहे हैं ना, हम सब साथ में ही बैठ के खा रहे हैं आज। तो भाई यार फिलहाल हो चुके हैं दोपहर के 2:30 और हाँ पापा आ चुके हैं घर में रेस्ट करने, तो चलते हैं हम बाहर ही बैठते हैं दुकान में ही। और मोनू भी चला गया संतोष भैया को लेने, संतोष भैया ना रात को चले गए थे देव, तो मोनू शायद देव गया कि यहीं गाँव में गया उनको लेने, पता नहीं है, बट हाँ मोनू गया उनको लेने। तो बस चलते हैं अभी दुकान में ही बैठते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं। वैसे पता है फूफा जी बुआ जी ये सब जा चुके हैं, वो लोग अपने अभी गांव गए हैं, गांव से फिर वो वहीं अपने घर जाएंगे, बोकारो जाएंगे, तो हाँ अभी वो लोग भी जा चुके हैं और मैं भी हूँ, चलते हैं दुकान पे। मुझे फिर से दोबारा से लग गया है हल्का हल्का भूख, फिलहाल ना बुआ जी सब तो उस समय चली गए थे, अभी ना दीदी को भी पहुँचा के आ गए हैं घर पर, तो फिलहाल चलते हैं देखते हैं, गरम गरम समोसा अगर बना होगा तो समोसा और चटनी खाएंगे और अपने छोटे छोटे भूख को मिटाएंगे। फिलहाल अपना आ गया है गर्मा गर्म समोसे और चटनी, चटनी तो मम्मी ने घर पे ही बना दिया, बट समोसे भाई मस्त, अभी गर्मा गर्म समोसे और चटनी खा लेता हूँ ताकि अपने छोटे छोटे भूख को मिटा पाऊँ भाई। और फिलहाल मस्त गरम गरम और टेस्टी सिंघाड़ा खा के तो मज़ा आ गया यार, और उसके बाद समोसे खाने के बाद भाई गरम गरम चाय मिल गया, तो वो क्या कहते हैं सोने पे सुहागा, वो वाला हो गया भाई, मतलब समोसे के बाद यार चाय मिलना मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, मेरे लिए क्या यार समोसे के साथ चाय किसी के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। सो हाँ समोसे तो खा लिए, अब फटाफट से चाय भी पी लेते हैं। सो गाइस यार फिलहाल अभी हो चुके हैं शाम के 7:30 और हाँ
आज का दिन मेरे लिए कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अब कुछ नहीं करा है, मतलब कुछ बचा ही नहीं है यार करने को। तो हाँ, फिलहाल अब मैं जा रहा हूँ ब्लॉग को एंड करने। वैसे ना आज के दिन में मज़ा बहुत आया, आज के दिन में पूजा हुआ, आज के दिन में हम लोग ये क्या कहते हैं उसे, खीर पूरी सब्जी ये सब खाया, और आज के दिन में और भी बहुत सारे काम किए, मैंने सारे चीज़ ब्लॉग में दिखाई दिए। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बाकी आपका जो मर्जी करिए, टेंशन फ्री रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। किसी 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 आई से इधर 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 आई से।